तो चलते फर्स्ट ऑटोग्राफ, तो बात करेंगे मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे ने अपने चैनल पे एक वीडियो निकाला जहां पर उन्हें बताया कि उनके पास जो मारुति कार है उसको वो गिव अवे में देंगे। एंड इस वीडियो को लेकर उन्हें एक्सपोज किया टेक्निकल गुरुजी को और कुछ टेक चैनल्स के बारे में जो कि ऐसा फेक गिव अवे रखते हैं और अपना क्राइटेरिया पूरा कराते। तो मनोज दे ने इस वीडियो में जो टेक्निकल गुरुजी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप लोगों को पता रहेगा टेक्निकल गुरुजी ने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो निकाला था जहां पर उन्हें बताया कि उनके पास जो 1 करोड़ का फोन है, अगर इस वीडियो में जो उनका 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो जाते तो ये फोन को जो वो अपने गिव अवे में दे देंगे। इसी चीज को लेकर जब मनोज दे ने एक तरह से एक्सपोज किया उनको, अगर आपके वीडियो में 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट चाहिए तो आपके वीडियो में जो 1 बिलियन व्यूज आने चाहिए तो ही जो आपके वीडियो में 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो गए। तो अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखना रहेगा तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो आने के बाद काफी लोग जाके टेक्निकल गुरुजी के वो वाले वीडियो पे नीचे कमेंट कर रहे थे कि मनोज दे ऐसा। तो अभी चलते नेक्स्ट ऑटोग्राफ, बात करेंगे एल्विश यादव और समीर मार्क के बारे में। तो आप लोग को पता रहेगा एल्विश यादव और समीर मार्क के बीच में कैसा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है अभी। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले का 2 वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो जाके देख लेना, तो आप लोग ये पूरा वीडियो समझ जाएगा। तो समीर मार्क ने कल अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाला, वहां पर बताया कि वो इस कॉन्ट्रोवर्सी को यहीं पे एंड करना चाहते, आगे नहीं बढ़ाना चाहते अभी। एंड फिर बाद में उन्होंने स्टोरी वगैरह अपलोड किया। फिर इसके बाद में एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड किया, उसमें ये लिखा था पंचर हो गए समीर भाई #markbhai पंचर वाले। तो इस स्टोरी के बाद काफी सारे स्टोरीज वगैरह अपलोड किया समीर मार्क ने अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग वो पढ़ना रहेगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें यही सब लिखा था बॉयकॉट एल्विश यादव, फिर बाद में सोशल मीडिया का कचरा वगैरह। फिर बाद में वो स्टोरी जो समीर मार्क ने डिलीट कर दिया और बाद में ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि और हेट फैले। फिर इस चीज के बाद में एल्विश यादव ने क्या कहा आप लोग भी देखिए। गाइस मैं अभी स्टोरी देख रहा था समीर भाई की, यार मैं इतना उदास हूँ। समीर भाई मेरे को बॉयकॉट करवाओ गया यार, समीर भाई मेरे को बॉयकॉट मत करवाओ यार, रहन दो यार भाई, तुम्हारी गांड फट जाएगी यार, प्लीज भाई यार, समीर भाई तुम्हें महंगी लिपस्टिक ला दूंगा यार भाई। और जितने भी जने देख रहे हैं भाई, मेरी सबसे अपील है यार, जितने भी पंचर बनवाने आज के बाद समीर भाई की दुकान पे बनवाने, लो समीर भाई मैंने ये भी कर दिया, प्लीज मेरे को बॉयकॉट मत करो यार, प्लीज यार भाई। एक साइड हमारे प्यारे समीर भैया बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सब खत्म करते हैं यार, मैं कुछ अब उसमें कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। दूसरे साइड भाई अगली स्टोरी पे स्टोरी डाल रहा होगा बॉयकॉट एल्विश यादव, ये कूड़ा कचरा ये वो, अरे भाई कैसे यार, गांड तोड़वाओगे का भाई बताओ, मतलब कैसे करवाओगे। हम बेंच अपने सो रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, इन पर खाली टाइम भी तो इतना साड़ो पे कुछ ना कुछ करते रहे मैं, पर चलो कोई बात नहीं भाई यार, क्यों जड़ से जाना चाह रहे हो भाई, अपने जैसे हो वैसे चलते रहो, ज्यादा उंगल चल रही है तो भाई हम और कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। भाई हमारा बाद मत कहना भाई ये क्या कर दिया, ठीक है ना भाई, मैं समझ गया इन पे इतना खाली टाइम कैसे, आज है मंगलवार, आज है सारी मार्केट बंद, सारी दुकान बंद है, जितनी सारी जो जो चीज करे सब चीज बंद है भाई। देखो यार हम पे काम है भाई, समीर भाई देखो अब जिम जा रहा हूँ मैं, ठीक है थोड़ा काम धंधा कर लें दो, अपनी बॉडी ध्यान दे लें दो, आपकी तरह तो परफेक्ट है नहीं, हमें ना परफेक्ट हो आप भैया हर चीज में, हमें हो जान दो, है ना, ठीक है। और गाइज एक मेन चीज जो मैं आपको बताना भूल गया भाई, हमारे समीर ब्रो वो बीच में लेके आ चुके हैं, रिलीजन को लेके आ चुके हैं, कम्युनिटी बहुत सारी चीजों को अपने बीच में लेके आ चुके हैं। जिसको अगर दिक्कत हो भाई, जो ये सोच रहा हो कि एल्विश ने गलत बोला, एक बार वीडियो जाके देख लेना पूरी, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला, किस वे में बोला है। तो प्लीज किसी छोटी वीडियो क्लिप कहीं काट के चला दे कोई कि भाई इसमें ये बोल रखा है, उसको पूरी वीडियो देखना, जिसको देखनी है 30-30, 15-15 सेकंड की वीडियो मत देखना, और बस यही है, थैंक यू। और भाई मैं एक हैशटैग डाल रहा हूँ इधर, इस पे ना कुछ मत डालना, इस वाले हैशटैग को यूज ही मत करना गाइस, ठीक है। कभी भाई कह दे कि यार देखो हमें पंचर वाला घोषित कर रहा है, ये कह रहा वो कर रहा, इस वाले हैशटैग पे ना भाई कुछ मत बनाना, समझ गए होगे तुम। देखा समीर भैया ने वो वाली स्टोरीज हटा दी, अभी लास्ट में डाली थी ना 3-4 ये बॉयकॉट एल्विश यादव वाली, भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा है देख के, क्योंकि भाई ये डर होना चाहिए समझ रहे हो ना, इन जैसे बालकों में डर होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा भाई। पर भाई मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी यार तुम लोगों की, मतलब जो मेरी जनता, भाई मैंने तुम्हें वो हैशटैग दिया था और तुमने यार उस पर पोस्ट करनी शुरू कर दी है, मतलब तुमने मीम बना दिया यार, मत करो भाई ये वाला जो हैशटैग है ना, मत करो इसको यूज यार, समझदार हो तुम। आप लोगों को क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अभी चलते नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करेंगे एंग्री प्रश के बारे में। तो आप लोगों को पता रहेगा एंग्री प्रश की तरफ से काफी टाइम से जो नया वीडियो नहीं आया, एंड एंग्री प्रश ने कुछ टाइम पहले ही बोला था कि उनके तरफ से जो आने वाला वीडियो होगा पुराना कैरेक्टर होगा जो कि हम लोगों ने बहुत मिस किया है। तो एंग्री प्रश ने अपने स्टोरी में क्या कहा आप लोग भी देखिए। आई नो आई एम सो मच लेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बट बिलीव मी आई जस्ट वॉन्ट टू पोस्ट गुड वीडियो, और बहुत टाइम के बाद वो वीडियो मुझे मिल चुकी है, बस कुछ दिन और उसके बाद एंग्री आर्मी कॉन्टेंट का कोई स्टॉप नहीं। कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी मार डस गई, वैसी चीज तो मैं बना के ही रहूंगा, ये वादा है। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और हाँ द ट्विस्ट सीजन अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो एंग्री प्रेस की तरफ से अभी यही अपडेट है, और कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई होप गाइस आप लोग आज का वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आप लोग ऐसे डेली यूट्यूब पर अपडेट शेयर करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।